Hi friends, welcome back to my channel. We have started with the vector, we are dealing with the unit vector. आज हम लोग यूनिट वेक्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने के बाद आपको यूनिट वेक्टर क्लियर हो जाएगा. तो स्टार्ट विद द बेसिक, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है अपने को पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ दिस टू. अच्छा, जब वर्ड आता है ना रिजल्टेंट, तो अपने दिमाग में एक फॉर्मूला बनता है दैट आर इज रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा. बट ये रिजल्टेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मुझे अभी फिलहाल इससे डील नहीं करना है. मुझे रिजल्टेंट जब कोई बोले है तो बेसिक आइडिया क्या है, तो दोनों का एडिशन इज ऑलवेज अ रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट मतलब ए बार और बी बार का एडिशन. तो मेरा क्वेश्चन नंबर वन का जो सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है वो आर बार से एंड इट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार. सबसे पहले मैंने रिजल्टेंट फाइंड किया. तो ए बार का वैल्यू है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 8i कैप प्लस 8j कैप. ये एक के नीचे एक लिखने का इंटेंशन क्या है, तो एडिशन ईजी होगा. आई वाले को ऐड करेंगे 8 + 4 विच इज 12i कैप और ये माइनस करेंगे तो 5j कैप. तो मुझे आर बार का वैल्यू मिल गया. मुझे अब मेरा काम क्या है, तो मुझे ढूंढना है एक यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या है, तो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. कौन सा वेक्टर, तो जिसको पैरेलल ये ड्रॉ किया है. तो ये समझो ये मेरा आर बार है. अब मैं यूनिट वेक्टर जो बनाऊंगा वो इसी के पैरेलल में होगा. तो मैंने इस यूनिट वेक्टर को नाम दिया यू कैप और ये R के डायरेक्शन में इसके लिए लिखा यू आर कैप. तो यू आर कैप विल बी इक्वल टू R बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R बार. दिस द यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ A बार एंड B बार. ओके, R बार का वैल्यू होगा 2i कैप प्लस 5j कैप डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. ये बना 12i कैप प्लस 5j कैप डिवाइड करेंगे रूट ऑफ 144 प्लस 25 और ये वैल्यू बनता है 169 और 169 का रूट होता है 13. तो ये मेरा आंसर आ गया. दिस इज अ यूनिट वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट और यूनिट वेक्टर हमेशा वेक्टर को पैरेलल ही होता है. तो फर्स्ट का सोल्यूशन. अच्छा, वापस बोलता हूँ, इसमें वर्ड रिजल्टेंट सुनने के बाद ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे. जब भी मुझे वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया होगा ना इंडिविजुअली, तभी मैं यूज करूँगा. जब मुझे आई और जे के टर्म में दिया होगा तो रिजल्टेंट ढूंढना ईजी, ऐड कर लो, दैट इज रिजल्टेंट. Now, this is the most important question. अगर आपने इसको समझ लिया तो लाइफ झिंगा लाला. If A bar is this, B bar is this, find vector having same magnitude as B bar. अभी समझते हैं. एक वेक्टर ढूंढना है जिसका मैग्नीट्यूड B bar के बराबर होता है. तो B bar का मैग्नीट्यूड क्या, तो B bar का मैग्नीट्यूड लेते हैं, that is root of 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 49 प्लस 576. इन दोनों को ऐड किया 625, दैट बिकम 25. ये बी बार का मैग्नीट्यूड मिला. मतलब मुझे जो वेक्टर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड बी बार के जितना होना चाहिए, विच इज 25 होना चाहिए. पैरेलल टू ए बार, पैरेलल टू ए बार, ए बार को पैरेलल होना चाहिए. तो इधर थोड़ा आते हैं, एक आर बार था उसके पैरेलल मैंने एक यूनिट वेक्टर ढूंढ लिया, तो वैसा ही सेम काम करेंगे अभी. तो ये ए बार बनाया, ए बार को पैरेलल में एक यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लूंगा. कैलकुलेट कर लेते यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर ढूंढने का तरीका क्या है, तो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर मेरा है 3i कैप प्लस 4j कैप
divide by root of 3 square plus 4 square, 9 plus 16, 25, that become 5. तो मुझे एक यूनिट वेक्टर मिल गया जो पैरेलल टू ए बार है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात, अगर मेरे पास एक वेक्टर है समझो p बार, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स हो गया, बट डायरेक्शन अभी भी वही है। तो जब कोई वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है, डायरेक्शन नहीं। अब यही लॉजिक इधर है, ये मेरा ए बार है, इसको पैरेलल मैंने एक वेक्टर बनाया, ये वेक्टर छोटा सा है क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर नाम है, यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड 1। अगर मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका साइज बढ़ जाएगा, बट ये अभी भी ए बार को पैरेलल ही रहेगा। तो अब क्वेश्चन में आते हैं, मुझे फाइंड करना है वेक्टर हैविंग सेम एज बी बार मैग्नीट्यूड। तो बी बार का मैग्नीट्यूड है 25, मतलब मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 25 होना चाहिए। मेरे पास एक यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, मैंने उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 मैग्नीट्यूड बन गया। मतलब ये यूनिट वेक्टर को अगर मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया तो उसका मैग्नीट्यूड 25 हो गया जो मुझे रिक्वायर्ड है, एंड इट इज पैरेलल टू ए बार। यस, दिस यूनिट वेक्टर इज पैरेलल टू ए बार। तो मेरा फाइनल आंसर जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू कितना टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर, तो इट विल बी 25 टाइम्स ऑफ दिस यूनिट वेक्टर। तो आंसर मेरा आया 25 टाइम्स ऑफ दिस यूनिट वेक्टर। तो ये 25 और इसका यूनिट वेक्टर लिखा 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाय 5, ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 3 15 एंड 5 4 20, दिस इज माय रिक्वायर्ड वेक्टर। अब इसी क्वेश्चन में समझते हैं, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड सेम एज ए बार एंड इट इज पैरेलल टू बी बार, तो क्या करेंगे प्रोसेस, सेम प्रोसेस थोड़ा सा चेंज। अब मुझे यूनिट वेक्टर किसके पैरेलल में ढूंढना पड़ेगा, तो जिसके पैरेलल में बोला होगा पैरेलल टू बी बार, मतलब मैं यूनिट वेक्टर बी बार के पैरेलल ढूंढूंगा, उसका जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार से, दैट विल बी माय रिक्वायर्ड वेक्टर। तो ये लॉजिक समझ लो तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, यूनिट वेक्टर किसके अलोंग ढूंढने का जिससे पैरेलल आपको रखना है मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नीट्यूड किसका जितना चाहिए, बी बार जितना मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज माय आंसर। दिस इज ऑल अबाउट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन इसका पूरा नाम है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो, फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।